मेरा नाम सरिता कंवर है। महाशक्ति कंपनी में मैं एज अ सीईओ काम कर रही हूँ। महाशक्ति कंपनी से जुड़े हुए मुझे 3 साल हो गए। हमारी कंपनी का गठन 2015 जनवरी में हुआ था। आज हमारी कंपनी की बहुत अच्छी पोजीशन है। हम लोग 5 से 7 हज़ार लीटर दूध का कलेक्शन करते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने 500 लीटर से स्टार्ट किया था। हमारी कंपनी में 778 बहनें मेंबर हैं और 8 डायरेक्टर हैं। आज हमारी कंपनी की बहुत अच्छी पोजीशन है। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने 500 लीटर से स्टार्ट किया था। आज हम दूध का कलेक्शन करते हैं। 5 से 7 हज़ार लीटर हमारा डेली का हमारा कलेक्शन है। हम सुबह दूध कलेक्ट करते हैं। सुबह 10 से 10:30 हमारा पूरा कलेक्शन हो जाता है। हमारे यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, 3 हमारे ड्राइवर हैं, हमारे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। जहाँ पर हमारे एफपीओ के हमारे जो गांव हैं, हमारी बहनें जहाँ दूध कलेक्ट करती हैं, 100 सेंटर चलते हैं हमारे, वहाँ पे हमारी बहनें ही दूध कलेक्ट करती हैं। जो भी हमारी कंपनी की जो मेंबर है उनसे वो हमारी बहनें दूध लेती है और यहाँ से हमारी गाड़ी जाती है, वहाँ से कलेक्शन करके यहाँ लेके आती है। इसके बाद हमारे यहाँ की केमिस्ट है जो राधा देवी, वो यहाँ टेस्टिंग करती है, वो टेस्टिंग करती है। उसके बाद हम उसे जो बीएमसी और साइलो है जो चिल दूध को ठंडा करती है उसमें उसको डाल देते हैं। उसके बाद हमें 6 से 7-8 घंटे के बाद में हम उसे सेल आउट करते हैं। अभी हमारा एफपीओ का दूध अलवर में एग्रोटेक डेयरी में जा रहा है और यहाँ थाना गाजी और बांसुर ब्लॉक के 180 स्कूलों में हमारा एफपीओ का दूध जा रहा है। माँ शक्ति कंपनी से जुड़ने के बाद में एक अलग पहचान बनी, एक अलग नाम मिला। हमारी कंपनी की शुरुआत हमने एक क्लस्टर बना के की थी। सबसे पहले हमने एक क्लस्टर बनाया, उसमें 125 बहनें जुड़ी। जैसे जैसे बहनों का जुड़ाव हुआ वैसे वैसे दिक्कतें आने लगी। 125 बहनों के जुड़ने के बाद में हमने सोचा हम क्या काम करें। 125 बहनें बन तो गई, क्लस्टर बन तो गया, पर कुछ एक्टिविटी तो हो। इसके लिए हमने सोचा क्यों ना हम दूध में ही काम करते हैं। तो हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया 500 लीटर से। फिर जैसे जैसे नाम सुना कि हमारे क्लस्टर का नाम रखा हमने शक्ति क्लस्टर। जैसे जैसे क्लस्टर का नाम बढ़ता गया वैसे वैसे बहनों का जुड़ाव बढ़ता गया। सब बहनें बोली कि हमें भी इसमें जुड़ना है, हमें भी इसका प्रॉफिट मिले। आज महाशक्ति की जो बहनें हैं वो खुद अपने पैरों पे खड़ी है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, क्योंकि वो जो अपनी भैंस का दूध बेच के पैसे इकट्ठे करती है और अपना काम चलाती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, अपने घर को चलाती है। आज घर में उसकी एक अलग पहचान है। महाशक्ति कंपनी एक ऐसी कंपनी है, गरीब महिलाओं की कंपनी है। उसमें हर गरीब महिलाओं को उसका हक मिलता है, जो वो दूध देते हैं उसका उचित मूल्य मिलता है। दूध के साथ साथ हम और भी बहुत सारे काम करते हैं। हम लोग मसाले बनाते हैं, हम लोग कलाकंद बनाते हैं, जो अलवर की प्रसिद्ध मिठाई है कलाकंद, वो भी बनाते हैं, और राजस्थानी डोल बनती है। नारी उत्थान और नाबार्ड के सहयोग से हमने एक रूरल मार्ट बनाया, क्योंकि जब ये सब चीज़ें बनाई तो इसके लिए मार्केट भी चाहिए कि हम लोग ये सब कहाँ सेल आउट करें, कि हम लोग मसाले भी बना रहे हैं, कलाकंद भी बना रहे हैं। तो ये ग्रामीण इलाका है, हम लोग बाहर तो बैठ नहीं सकते, तो ये आया कि हम इसको कहाँ सेल करें। तो नाबार्ड के जो DDM सर हैं उन्होंने हमें बताया कि आप ऐसे रूरल मार्ट बना सकते हैं। तो नारी उत्थान के सहयोग से और नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से हमने एक रूरल मार्ट की शुरुआत की। आज हम उस रूरल मार्ट में घी है, मावा है, कलाकंद है, और मसाले और डॉल, ये सब हमारी बहन के साथ और हमारी बहनों को और हम और जगह भी सेल आउट कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा हमारी बहनों को खूब मिल रहा है, और साथ ही साथ शुद्धता भी मिल रही है। हर 1 तारीख को हमारे यहाँ हमारी कंपनी की महाशक्ति की मीटिंग होती है। उसमें
हमारी सारी बहनें आती हैं और वो जो भी यहाँ मसाले बनाते हैं, कलाकंद बनाते हैं, वो यहाँ से खुद खरीद के लेके जाती है। वो ऐसे कहती है कि जो मसाले की शुद्धता हमारे यहाँ के मसाले में है, वो बाहर के मसाले में नहीं है। तो हमें मार्केट ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे 778 बहनें हैं तो हमारे मसाला ये सब चीज़ें यहाँ की यहाँ भी बिक जाती है। 15 के माह हमारी कंपनी बनी, एफपीओ बनी। एफपीओ के माह में मान डायरेक्टर को पत्ती हो जो सब हमारी समूह की बहना 870 बहना हमें जो सब चुन चुने आपका एरिया का मायने और सब ने अपने अपने जो सरपंच की तरह मान चुनिया और सरपंच ने भी डायरेक्टर पदमाद तक पहुँचाया मन और अब एपीओ में डायरेक्टर। मेरा नाम सुनीता यादव, सीमा के डाने नारायणपुर की रहने वाली हूँ। मैं राधा समूह में एक सदस्य हूँ। मेरे समूह में 11 सदस्य हैं, लेकिन नारीथान संस्थान से जुड़ने के बाद मेरे अंदर परिवर्तन आया। मैं घर से निकली और आज मैं महाशक्ति मिल्क प्रोसेसर कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हूँ। समूह में जुड़ने के बाद हमारे एक क्लस्टर का गठन हुआ जिसमें हम 125 मेंबर थी। मेरे ही समूह की मेंबरों द्वारा मुझे सचिव के पद पर स्थापित किया गया। मेरा नाम सुमन कौर, गांव मेरा चौहानों के पास वांछित तहसील में पड़ता है। मेरे समूह का नाम है सुमन स्वयं सहायता समूह। नारी उत्थान में जुड़े मैं 2011 में 20 अप्रैल को नारी उत्थान से जुड़ी। मेरा नाम है, बहुत सी शिक्षा मिली है।